इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास HDFC का न्यू ATM कार्ड है और उस न्यू ATM कार्ड का पिन कैसे जनरेट किया जाता है। मैं आपको वीडियो में पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और HDFC का ATM कार्ड का पिन जनरेट करना बहुत सिंपल है, तो वीडियो में मैं आपको जो भी स्टेप्स बताऊंगा वो सारे स्टेप्स को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना ATM कार्ड को लेकर किसी भी HDFC के ATM मशीन में आना है। उसके बाद आपको अपने ATM कार्ड को ATM मशीन में इंसर्ट करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इसी तरीके से आपको ATM कार्ड को ATM मशीन में इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकन होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारा लैंग्वेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। फिर अब यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, मेन मेन्यू सेट योर पिन। तो यहाँ पे आपको अपने ATM कार्ड का पिन जनरेट करना है, तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करना है, सेट योर पिन वाले ऑप्शन को। अब उसके बाद यहाँ पे आपको 6 डिजिट का OTP नंबर फिल करना है जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा। जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया होगा HDFC में, उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आया होगा, इस तरीके का मैसेज आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हो। सिंपली यहाँ पर आपको 6 डिजिट का OTP नंबर फिल करके यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे ATM कार्ड का पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 डिजिट का ATM पिन बना लेना है। फिर यहाँ पे आपको री एंटर में सेम पिन नंबर फिल करना है जो कि आपने बनाया होगा। उसके बाद प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। अब यहां पे आपका ATM कार्ड का पिन सक्सेसफुली बन जाएगा। ATM कार्ड का पिन जनरेट हो जाने के बाद ATM कार्ड को कलेक्ट कर लेना है ATM मशीन से, जैसे कि वीडियो में देख सकते हो, और साथ ही आपको एक रिसिप्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप HDFC का न्यू ATM कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको वीडियो में जो भी स्टेप्स बताए HDFC का ATM कार्ड का पिन जनरेट कैसे किया जाता है, वो सारे स्टेप्स आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको HDFC के ATM कार्ड को पिन जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज को डाउट है, तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।